वृंदावन में विश्व के सबसे ऊंचे निर्माणाधीन चंद्रोदय मंदिर स्थल पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। यहां बदमाशों ने न सिर्फ सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की बल्कि सुरक्षा कर्मी की बंदूक समेत लाखों रुपए का विद्युत सामान लूट ले गए। थाना वृंदावन इलाके में शनिवार की देर रात करीब लगभग 2 बजे एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने अक्षय पात्र में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे चंद्रोदय मंदिर की निर्माणाधीन साइट पर धावा बोल दिया, जहां उन्होंने सबसे पहले गार्डों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने गार्डों को बंधक बनाने के बाद उनके साथ मारपीट करते हुए एक गार्ड की एक नाली बंदूक को लूट लिया और मौके से विद्युत की वायरिंग आदि सामान को भी लूट ले गए। बेखौफ बदमाश निर्माणाधीन चंद्रोदय मंदिर के पीछे जंगल के रास्ते से घुसे थे। दीवार फांदकर अंदर घुसे बदमाशों का सामना गार्ड लालजी यादव निवासी बिहार और गीतो उर्फ गीतम पुत्र नवल सिंह से हुआ, जहां गीतम पर एक नाली बंदूक थी। गीतम ने जब बंदूक चलानी चाही तो बदमाशों ने गीतम के सर पर लोहे की सरिया से वार कर बंदूक को लूट लिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल गार्ड गीतम ने बताया कि रात में करीब 20 से 25 बदमाश आए और उनके साथ मारपीट कर बंदूक के अलावा बिजली की वायरिंग आदि सामान लूट ले गए। गीतम ने बताया कि वह मार्ट स्थित अक्षय पात्र ब्रांच पर तैनात था। शनिवार की रात एक गार्ड के छुट्टी होने पर उसे ड्यूटी पर चंद्रोदय मंदिर परिसर में बुलाया गया था। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी है और जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही। देखिए, ये विगत रात्रि में इन्फिनिटी जो बिल्डर्स हैं उनका एक कृष्ण भूमि नाम का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर रात में अर्ली मॉर्निंग एक सूचना आई थी कि कुछ लोग वहाँ पर घुसे हैं और वहाँ पे गनमैन और उनके साथ जो गार्ड हैं उनके साथ मारपीट की है और जो गनमैन है उनकी राइफल लूट कर ले गए हैं। बाद में चेक करने पर पता चला कि उसी बिल्डिंग में जो बिल्डर का जो स्टोर है उसमें से कुछ पैकेट इलेक्ट्रिकल वायर के जो भी उनके द्वारा गिनती की जा रही है वो भी उनके द्वारा वहाँ से लूटे गए हैं। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो गार्ड हैं जिनको चोट लगी है उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनसे भी काफ़ी अहम जानकारियाँ ली हैं। जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। घटनास्थल से निरीक्षण से अभी तक तहरीर इनके द्वारा दी जाएगी, उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आसपास के एरियाज को खंगाला जा रहा है एविडेंसेस के आधार पर जल्दी इस घटना का खुलासा। सर, ये परमेश्वर जो बढ़ता है सबसे हाईएस्ट मंदिर बन रहा है वही? देखिए, ये जो बिल्डिंग जहाँ से घटना हुई है वो इन्फिनिटी बिल्डर्स का जो कृष्ण भूमि जो प्रोजेक्ट है वहाँ से हुई है, बाकी उसके आसपास अन्य जो चीज़ें बन रही हैं उनसे इसका कोई संबंध अभी तक सामने नहीं आया। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? देखिए, यहाँ पर एक गनमैन थे और एक गार्ड थे, और जो गनमैन है उनको चोट आई है और जो गार्ड है उनको